आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है आप सब समझ रहे हैं उस चीज को, वो है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी का की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है इसकी जांच नहीं करते हैं। स्वघोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा उसके पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन देने से, ये गलत हुआ क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइन था वो प्रभावी था और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने यह कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने यह गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वह तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से उनकी नौकरी भी सुरक्षित है, जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी यह अंकित है
कि कोई भी निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा, क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं। और जैसा कि आपने मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइक में कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था क्योंकि वो उस समय प्रभावी था, और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा, ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा। अब एक जैसा आप लोगों ने पाया ही होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू एजुकेशन को राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी माना है, स्वाभाविक है। और आप सब लोग अवगत है कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, ये शिक्षा के अधिकार के पहले से ही हमारे संविधान में जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में पहले से उपलब्ध है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने पूर्व के बहुत से आदेशों में इसको विस्तारित करके ये भी कहा है कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू लिव विथ डिग्निटी को भी उसमें उस ऐड किया है। और ये अधिकार जो मौलिक अधिकार है जो कि राइट टू एजुकेशन के पहले से है। जैसा आपने अभी देखा कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द सर्कुलर, मतलब जो जब तक एनसीटी का वो सर्कुलर वैलिड था तब तक जो अधिकार मिल गया कैंडिडेट्स को वो अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, अभिमत है कि जीवन का अधिकार जो उन्हें मिला कि हम बीएड करके ब्रिज कोर्स के रास्ते से हम अपने इस अधिकार का पालन कर पाएंगे, इसकी पूर्ति कर पाएंगे, अपना आजीविका अर्जित कर पाएंगे, ये अधिकार जो मुझे मिला ये अधिकार वर्तमान में शायद उसका हनन हो जा रहा है। तो अगर कोई अभ्यर्थी, मैं नहीं जानता हूं कि वो कितना सही है कि नहीं है सही है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी अगर इन सब बिंदुओं को या अपने अपने विधि परामर्श लेकर के अगर कोई अगर अपना कोई दावा या पुनर्याचिका अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं तो हमें उसके फलाफल के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और उसके फलाफल से ही प्रभावित होगा उनका परीक्षा फल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभ्यर्थी क्या अपना लीगल रिकॉर्ड्स लेते हैं, क्या एनसीटीई आदेश करती है या क्या राज्य सरकार अध्यादेश या वगैरह वगैरह जो भी लेकर के आती है उससे उसका परीक्षा फल प्रभावित हो सकता है, और हम उसका बिल्कुल अनुपालन करेंगे। अब तब ये प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठता होगा कि जब इतना संशय है तो फिर अभी परीक्षा को क्यों नहीं टाल दिया जाए। स्वाभाविक है ये सबके मन में ये सवाल उठेगा, और इसका उत्तर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी आदेश में छुपा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने पेज 35 से 36 में ये कहा कि जब आपके पास में डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो आपको बीएड के साथ ब्रिज कोर्स के साथ उसको अलाउ करने का कोई औचित्य नहीं था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि, और इसी कारण से भी यह रद्द हुआ है क्योंकि आपको याद होगा, जानकारी होगी कि केवीएस ने शिक्षकों की कमी के कारण से यह प्रस्ताव मांगा था, किया था,
यह अनुरोध किया था जिसको एनसीटी ने मान लिया। लेकिन राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी है कि जब आपके पास में वहां पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे डिप्लोमाधारी, तब फिर यह ब्रिज कोर्स करके बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य है। अगर हम यही कहें कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, तो परीक्षा को स्थगित करने का क्या औचित्य है, तब तो क्या हम ये एक मेरा क्या ये माननीय न्यायालय का माना नहीं माना जाएगा कि हम जानबूझ करके, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया साफ साफ कि आपके बीएड अभ्यर्थी नहीं एलिजिबल है इसके लिए, तब उनके लिए आपकी प्रतीक्षा रहते हुए आपने डिप्लोमाधारी के अधिकार का क्यों हनन किया। इसलिए हम डिप्लोमाधारी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भागी नहीं बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तीखी टिप्पणी को अपना आधार बनाया है, हम उसी तीखी टिप्पणी के आलोक में ये कहेंगे कि हम परीक्षा कोट नहीं टालेंगे। हम डिप्लोमाधारी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, 380,000 से ज़्यादा हमारे डिप्लोमाधारी प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। कई ऐसे बीएड वाले भी हैं जो कि डिप्लोमा भी प्राप्त किए होंगे लेकिन उन्होंने शायद अपना बीएड ही लिखा होगा। हमारी वैकेंसी से रिक्ति से 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस तथ्य को, खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस तीखी टिप्पणी के आलोक में, और हम इसको परीक्षा को कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत स्पष्ट बात हो गई और मैंने बता दिया कि बीएड अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं क्योंकि ये उनका अधिकार सुरक्षित हो चुका था, लेकिन उनका परीक्षा फल प्रभावित होगा उनके खुद अपने लीगल रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि वो क्या पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं या नहीं करते हैं, या एनसीटी या राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। और जैसा मैंने अभी बताया कि ये निर्णय कि वो पात्र है या नहीं पात्र है, ये हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करते हैं। उसके पहले हम मान के चलते हैं कि जो भी उन्होंने दावा किया है वो सही है और हम उसके हिसाब से अपना मेरिट लिस्ट बनाते हैं। लेकिन रिजल्ट हम स्वाभाविक है, रिजल्ट हम तभी डिक्लेयर करेंगे जब वो पात्र होंगे। अगर वो पात्र नहीं होंगे तो हम उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे और वैसी स्थिति में उनका एक चांस व्यतीत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भी संशय था लोगों के मन में कि अगर हम एग्जाम दे देते हैं और मेरा एक चांस बेकार चला जाएगा, आप मेरा रिजल्ट नहीं देंगे। जब हम रिजल्ट ही नहीं देंगे तो हम उनका एक चांस भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये तब की स्थिति में है जबकि उनको कोई संशय रहता है, जैसे मुझे भी अभी संशय है कि पात्र हैं कि नहीं है या क्या वो लीगल रिकॉर्ड्स लेते हैं। लेकिन अगर ये क्लियर अगर हो जाता है और उसके बावजूद जानते बूझते अगर वो अपीयर होते हैं, तब उसको हम उनके चांस को व्यतीत मानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए, जैसे सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए या बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए कोई भी परीक्षा में जो हम अनुमति दे रहे हैं, तो भली भांति जानते हैं कि वो अपना एक चांस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो अपने एक चांस को व्यतीत करते हैं क्योंकि भली भांति वो जानते बूझते वो अपीयर हो रहे हैं, इसलिए उनका चांस व्यतीत माना जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में, बीएड के मामले में, अगर संशय बना रहता है और अगर हम उनका परीक्षा फल नहीं घोषित करते हैं, रोकते रखते हैं, तो उनका चांस भी व्यतीत नहीं माना जाएगा और उनका 3 चांस हर परीक्षा के लिए 3 चांस सुरक्षित रहेगा। ये तो अब मैंने जो बता दिया, जो कि जो आए दिन लोग तरह तरह के अटकलबाजी लगाते हैं और एक तरह से जो अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं वो बेसिकली रक्षा में हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मन अगर विचलित है तो परीक्षा में कैसे पढ़ेंगे, स्वाभाविक है। आए दिन हम लोगों के पास में यह भी एक अनुरोध आते रहा है कि भाई ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है
इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीजों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है, तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। इस पर सरकार का भी अनुरोध है और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। तो जो चूंकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहले से मुद्रित हो चुके हैं, उसमें लिखा हुआ होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है,